नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। कलयुग की अलग अलग प्रकार की कहानी सामने आती है। एक पिता ने अपने पुत्री को मरवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को 20 लाख रुपया दिया और वह कॉन्ट्रैक्ट किलर पकड़ा गया और उसने खुलासा किया। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सगे पिता ने अपने बेटी को मरवाने के लिए 20 लाख रुपया का सुपारी दिया और वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, एक खास व्यक्ति छपड़ा मढ़ौरा के पूर्व विधायक सुरेंद्र शर्मा ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को 20 लाख रुपया दिया कि हमारी बेटी को तुम पटना में जान से मार दो। इसके पीछे की कहानी मैं बताऊं आपको कि कलयुग में किसी ने किसी को नहीं छोड़ा। पिता ने पुत्री के साथ व्यभिचार किया, पिता ने पुत्री को, पत्नी को, बेटा को मरवाया। उसी कड़ी में उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा था, अब अभी सुरेंद्र शर्मा जो पूर्व विधायक हैं छपड़ा मढ़ौरा के, उसने अपने बेटी को जान मारवाने के लिए 20 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्ट किलर बेटा के, सिकंदरापुर के रहने वाले किलर अभिषेक सिंह उर्फ छोटे सरकार को 20 लाख रुपया दिया कि तुम मेरे बेटी को जान से मार दो पटना में। 1 जुलाई को अभिषेक सिंह ने गोली भी चलाई, लेकिन किस्मत अच्छी कि वह लड़की अपने पति के साथ सैर करके लौट रही थी, गोली चली, गोली पिस्टल में फंस गई, जान बच गया और अभिषेक सिंह को घेराबंदी करके पकड़ा गया, जिसने खुलासा किया कि सुरेंद्र शर्मा जो इनके पिता हैं, उसने गोली मारने के लिए 20 लाख रुपया मुझे दिया था। ऐसा क्यों किया पिता ने? इसलिए कि 1 साल पहले बेटी ने अंतरजातीय विवाह कर ली थी, दूसरे जात के लड़के के साथ शादी करने के कारण पिता ने 20 लाख रुपया का ठेका दे दिया जान मारने के लिए। अब आप सोच सकते हैं, जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, जात पात का नारा खत्म हो रहा है, वहां रूढ़िवादी विचारधारा रखने वाले सुरेंद्र शर्मा अपने बेटी की हत्या करने के लिए 20 लाख रुपया का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब सोच सकते हैं आप, सुरेंद्र शर्मा जो विधायक पूर्व विधायक है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके गुर्गे ज्ञानेश्वर शर्मा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। शूटर के पास से 1 पिस्टल, 1 कट्टा, 1 मैगजीन, 9 गोलियां और 1 बाइक बरामद की गई जो घटना में इस्तेमाल की गई थी। यही अभिषेक शर्मा ने पिछले 31 मई को पत्रकार नगर के काली मंदिर रोड पर अरवल के भाजपा के पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के 2 भाइयों को गोली मारकर हत्या की थी। अभिषेक ने संजय के इशारे पर पूर्व विधायक के सगे चाचा अभिराम शर्मा व भतीजे दिनेश शर्मा की जहानाबाद में और मसौढ़ी में गोली मारकर हत्या की थी। पूर्व विधायक की बेटी की फिर हत्या की बात आ गई सामने। तो दोस्तों, यह कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। पुलिस ने पकड़ा, खुलासा हुआ, अब आगे जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।